उत्तर प्रदेश के आगरा में बारिश के दौरान तेज चमके के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी जद में आने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक निबोहरा थाना इलाके के लालपुरा में परिवार के लोग पशु चराने के लिए खेतों में गए थे, तभी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जाहिर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल प्रभाव से दिए जाने के निर्देश दिए और बिजली की चपेट में आए लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज कराने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकले, जरूरत के हिसाब से ही घरों से बाहर आए। वहीं भारी बारिश के बाद हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया। प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं। हिमाचल के सभी जिलों के उपायुक्त को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। सभी जगह प्रशासन नजर बनाए हुए है। सैलानियों को नदियों से दूर रहने की अपील लगातार की जा रही है। सहारनपुर में नदी में आए सैलाब के बीच फंसे बुजुर्ग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बुजुर्ग पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता नजर आया। वीडियो मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बादशाही बाग का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 60 साल का ये शख्स नदी पार कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तभी नदी में आए तेज बहाव में फंस गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। अंबाला में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात लगातार बनते जा रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ अंबाला छावनी के इलाकों का दौरा किया। अनिल विज ने बताया कि टांगरी नदी में अभी ज्यादा पानी नहीं है, फिर भी अलर्ट को देखते हुए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सारे शहर का राउंड ले रहे हैं कि जहां जहां पर दिक्कत हो लोगों की सहायता की जा सके। अंबाला में भारी बारिश के बाद एक इमरजेंसी नंबर जारी किया गया। जनता को किसी भी तरह की दिक्कत होने पर इस नंबर पर संपर्क कर मदद मिलने का भरोसा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। आलम यह है कि शहर के कई बड़े इलाके जलमग्न हो गए और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत गोहाना को जोड़ने वाला शनि मंदिर रेलवे अंडरपास के पानी में डूब चुका है। इस बरसात ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। बरसात से पहले नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि सोनीपत में इस बार जलभराव नहीं होगा, लेकिन तस्वीरों में हकीकत कुछ और नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, असम में भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश होगी, जिसमें मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं अंबाला में भी लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट को पानी पानी कर दिया, जिससे व्यापारियों को करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि अगर वक्त रहते प्रशासन और नगर निगम अधिकारी जल निकासी की व्यवस्था उन्होंने की होती तो ऐसा ना होता। दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है। व्यापारियों का ये भी आरोप है कि वो पिछले काफी वक्त से नगर निगम अधिकारियों से अपील कर रहे थे कि नालों की सफाई की जाए, लेकिन अब तक नालों की सफाई नहीं की गई।